नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। 15 अगस्त के रंग हंगामा टाइम्स के संग में हम कुछ खास शख्सियतों से बात कर रहे हैं जो लखनऊ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक अपनी अलग सी जगह उन्होंने बना के रखी है। तो आज हमारे बीच में मणिकांत शुक्ला जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के। तो उनकी नई नियुक्ति भी हुई, पहले तो हंगामा टाइम न्यूज चैनल की तरफ से उनको बहुत सारी बधाइयां। तो जिला अध्यक्ष बनने पे वो क्या कहना चाहेंगे, आइए चलते उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। अभी अभी जो मुझे आपने जैसा बताया कि मुझे नया दायित्व मिला है अपने संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस पद के बाहर मुझे दिया गया है। चूँकि आप देख रही हैं कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से व्यापारियों की सबसे ज़्यादा किसी को अगर संकट आया तो व्यापारियों के लिए आया है। तो इस समय हम लोगों के ऊपर एक और नैतिक दबाव ज़्यादा है कि हम कैसे उन व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरकार तक जाएँ और उनकी समस्याओं का निदान करा सकें। तो सर, ये उद्योग व्यापार मंडल में जुड़े हुए आपको कितने साल हो गए सर? जुड़े हुए मुझे अभी 1.5 साल हुआ है और पहले मैं अपना कपूरथला इकाई में उपाध्यक्ष था और अभी वर्तमान में सीधे मुझे प्रमोट करके जिलाध्यक्ष बनाया गया है लखनऊ जिले का। तो जिस तरीके से 15 अगस्त आ रहा है, एक हमारे देश का महापर्व जिसे कहा स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, तो इस स्वतंत्रता दिवस पे क्या तैयारी है आपके कपूरथला के लिए? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने व्यापारी बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और चूँकि अभी पिछले लास्ट ईयर से कोरोना की वजह से वो माहौल नहीं रहा जिस हर्षोल्लास से हम लोग पहले मनाया करते थे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल चल रहे हैं, कुछ नियम हैं सरकार की तरफ से, धारा 144 लागू ऑलरेडी लागू है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग जुलूस इस तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अतः हम लोगों को बहुत ही धैर्य और संयम के साथ में इस उत्सव को मनाना है। और अपने व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग जैसा कि हमेशा करते आए हैं, झंडा रोहण के कार्यक्रम होगा, उसके अलावा कुछ गरीबों में फल और लड्डू का वितरण किया जाएगा। उसके अलावा हमारी लखनऊ जिला इकाई की तरफ से, क्योंकि कोरोना चल रहा है इसके उपलक्ष्य में, हम लोग सैनिटाइजेशन और मास्क का वितरण भी करेंगे। तो जिस तरीके से आपको जिला का अध्यक्ष बनाया गया लखनऊ का व्यापार मंडल की तरफ से, तो व्यापारियों को लेकर के आपकी क्या तैयारी और जिस तरीके से व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं, अगर कोई व्यापारी को समस्या आता है समाधान किस तरह से करते हैं आप? देखिए, व्यापारियों को तमाम तरह की समस्या आती है, चाहे जीएसटी को ले लीजिए, या कभी मतलब नगर निगम वाले हो गए, या पुलिस उत्पीड़न हो गया, या जो हमारे जो पट्टी दुकानदार रेहड़ी दुकानदार है उनका भी रजिस्ट्रेशन करके हम लोग उनको भी अपना सदस्य बनाते हैं। तो तमाम तरह की बिजली विभाग की शिकायतें रहती हैं, कभी कभी उनके द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने अपने यहाँ पर जैसे हमारे व्यापार मंडल में एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम के नाम से भी एक दे दी गई है कि अगर कोई भी शिकायत करता है व्यापारी कहीं पर भी, तो वो टीम तुरंत उनके पास पहुँच जाती है उनकी मदद करने के लिए। और हम लोग नियमों का पालन करते हुए जितनी भी लड़ाई हो सकती है व्यापारी हितों के लिए, वो सरकार से हमेशा लड़ते रहते हैं। अभी जैसे पीछे क्या कहते हैं आपका लॉकडाउन को लेकर चला, तो उसमें भी हम लोगों ने कई बार मिलकर हमारे प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया सरकार को। अभी दूसरा ये जो सैटरडे संडे वाला चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं सरकार को, क्योंकि इससे काफ़ी व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और ये हफ्ते में कम से कम एक दिन किया जाए, इससे ज़्यादा ना किया जाए। तो जिस तरीके लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो इसके लिए सरकार से किस तरीके से आप लोग आग्रह करते हैं और आम जनता की लड़ाई किस तरीके से लड़ते हैं आप लोग? देखिए, महंगाई व्यापारियों का नहीं, महंगाई खैर आम जनता का मुद्दा है, तो इसको लेके सभी राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं। मैं स्वयं भी भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष के दायित्व का निभा रहा हूँ अपने व्यापार मंडल के अलावा। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक दल हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है कि जनता की लड़ाई न लड़के हम लोग अपने व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ें। तो व्यापारियों के हितों के उससे जितनी भी चीज़ें आती हैं हम लोग उनमें ज़्यादा फोकस करके रखते हैं। महंगाई एक अलग मुद्दा है जिसके लिए भी सरकार को लगातार लोग घेर रहे हैं और घेरा जा रहा है। तो डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो व्यापारियों पर तो असर पड़ेगा ही ना सर इसका? नहीं, देखिए, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो व्यापारियों पर भी असर पड़ेगा, व्यापारियों के साथ साथ आम जनता पर भी असर पड़ेगा। अब सरकार के अपने तर्क हैं कि भाई पिछली सरकारों ने ऑयल बॉन्ड ले लिए थे, ये कर लिया था, वो कर लिया था, उसका भुगतान हमें करना पड़ा, इस वजह से हम दाम नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारों की भी मजबूरियाँ समझते हुए हमें ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि भाई लोकल तरीके में अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में और राज्यों की अपेक्षा अभी भी कम दर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल के दाम अभी भी कम है। बाकी राज्यों में लगभग 100 के लगभग तो डीजल पहुंच गया है। तो जिस तरीके से 15 अगस्त आ रहा है, एक सवाल हम आपसे और करेंगे, राजनीति है लेकिन करेंगे आपसे, जैसे कि राजनीति जब आता है, चुनाव आता है, तो हिंदू मुसलमान होता है, जहां हमारा देश अनेकता में एकता की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो जब राजनीति ऐसे आता है, चुनाव आते हैं, तो हिंदू मुसलमान क्यों होता है?
देखिए, अगर हम अपने प्रदेश की बात करेंगे या अपने अपने प्रदेश में ही जो हमारी प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो यहाँ पर हमारी गंगा जमुनी तहजीब बहुत मशहूर रही है पूरे विश्व के लिए में। और यहाँ पर इस तरह के चीज़ें नहीं आती हैं। हम लोग अभी भी आपस में, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, व्यवस्था नहीं है। लेकिन जैसा कि पीछे अभी वो क्या है कि धर्म को आधार बना के लोग राजनीति कर रहे हैं, इसका मैं हमेशा से पुरजोर विरोध करता रहा हूँ, करता रहूँगा। राजनीति करनी है, उसके लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी आपने पेट्रोल डीजल का ही दाम बढ़ाया, महंगाई दाम बढ़ाई, बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, आप उन पर लड़ाई लड़िए ना। आप आदमी को धर्म के नाम पर क्यों बांटना चाह रहे हैं भाई? हम इसी देश में पैदा हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है ना। कोई ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर देश हिंदू का या मुस्लिम का नहीं है, तो इसमें जाति के नाम पे भेदभाव क्यों? अब चूंकि नेताओं को सबसे सॉफ्ट कॉर्नर लगता है कि आदमी के सॉफ्ट कॉर्नर पे हिट करो, तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, उसके धर्म को आगे ले आते हैं, उसकी जाति को आगे ले आते हैं। परंतु अगर हकीकत में देखेंगे ना, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके धर्म को आगे लाता है और आपकी जाति को आगे लाता है। ये हम आम जन को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम ऐसे नेताओं से बचें, ऐसे राजनीतिक दलों से बचें जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का को प्रमोट करते हों या उनके दम पे वोट मांग रहे हों। आम जनता तो मिलकर के रहना चाहती है सर, जैसा आपने बताया कि आम जनता मिलकर के रहना चाहती है, हमने भी देखा बहुत सारी जगह पर आम जनता मिलकर रहना चाहती है, लेकिन सपा बहुजन और बीजेपी जो पार्टी है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ब्राह्मण सम्मेलन करा गया, फिर पिछड़ी जाति को लेकर के करा गया, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे होते हैं, ठीक है, अब उनको जिस जाति में भी ज्यादा लग रहा है कि ठीक है आज ब्राह्मण उपेक्षित है, तो ठीक है ब्राह्मण सम्मेलन सारी पार्टियां करा रही हैं, कल को पिछड़ा वर्ग कुछ उपेक्षित होगा तो पिछड़ा वर्ग के लिए सब एक साथ खड़े जाते हैं। सब में एक होड़ सी लगी हुई है कि हम जाति के नाम पर वोट मांगे। आप विकास के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हो? आपने पीछे भी सरकारें नहीं, चाहे भाई यहाँ पर प्रदेश में बसपा की भी सरकार रही और आपका सपा की भी सरकार रही, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है। अब अपने काम को बेस बना के वोट मांगो। और सबसे बड़ा तो अकलमंदी का काम जनता को करना है कि उसको पहचानना है कि कौन लोग हैं जो हकीकत में देश का विकास कर सकते हैं, कौन देश को आगे ले जा सकता है। तो हमें चुनना है इन सब सम्मेलनों से, इन सब तरह के प्रोपोगंडा से हटकर अपना स्वयं विवेक लगाना है कि हमें जाति धर्म वर्ग के उसे ऊपर उठकर एक ऐसी सरकार को चुने जो प्रदेश का विकास कर सके और देश का विकास कर सके। तो चलते चलते आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो उसे सभी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से 15 अगस्त की बधाइयां देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो सभी को हृदय से स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और ये क्योंकि हमारे राष्ट्र का पर्व है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इसको बहुत ही संयम और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कोरोना प्रोटोकॉल जैसे आप देख चुके हैं लागू है, और पीछे की दो लहरों हम लोगों ने देखी है, पहली लहर में तो उतना नुकसान नहीं हुआ जितना दूसरी लहर में हुआ है, तीसरी लहर का लगातार अंदेशा दिया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। तो कोविड नियमों का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं और सब लोग स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मैं मणिकांत शुक्ला संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से एक बार पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि कोविड का प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए सभी लोग इस पर्व को मनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ में एक शख्स और भी जुड़ेंगे, नीरज गुप्ता जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष है, उनसे ही बात करेंगे किस तरीके से वो सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो सर 15 अगस्त के मौके पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मेरी सभी समस्त देशवासियों और लखनऊ वासियों को 15 अगस्त के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं देश शहर के लोगों से मैं यही कहूंगा कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ घर पे मनाएं, घर पे रहें और सभी को ध्यान रखें, एक दूसरे से दूर रहें थोड़ा, ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का ठीक से पालन हो सके और हम तीसरी लहर से भी बचे रहें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ में जिला अध्यक्ष मणिकांत शुक्ला और जिला उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता। जिस तरीके से आपने देखा संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी किस तरीके से 15 अगस्त के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हम भी अपने चैनल से यही आग्रह करना चाहेंगे, चाहे 15 अगस्त हो चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो, सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाएं, क्योंकि भाईचारे का त्यौहार है और हमारा देश भाईचारे का देश है और अनेकता में एकता की मिसाल है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद।